हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो चलिए, आज आप लोग का स्वागत है फिर से वंदना अन्नजनी गार्डन में। तो मैं अभी देखिए पोर्चुला के प्लांट के साथ क्या कर रही हूँ। अगर आप भी अभी तक नहीं लगाए हैं पोर्चुला प्लांट तो लगा लीजिए। इसे 9 बजे फूल भी हम लोग बोलते हैं और ये 9 बजे के टाइम में खिल जाता है। तो अभी तो खिल नहीं रहा, लेकिन इसका जो कली है वो लेने लगा है। तो फिर से मैं कुछ ही दिन पहले इसको लगाई थी, जो आप लोग के साथ शेयर की थी, बिल्कुल 1-1 इंच का इसमें कटिंग लगाई थी। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और इसमें से कटिंग करके मैं एक दूसरा फिर से प्लांटर तैयार करने जा रही हूँ। तो ये देखिए DIY प्लांटर है जो बनाने जा रही हूँ, एक बोतल से, जो बिस्लेरी के बोतल आता है उससे, और एक है टोपी, मतलब कैप है, जो कि काम करने वाले लोग यूज करते हैं। तो मेरे यहाँ पड़ा हुआ था, मतलब टूट गया था, तो इसका सोचे कि चलो ये इसका प्लांटर तैयार कर दे। तो हैंगिंग प्लांटर बनाने जा रही हूँ। तो देखिए कैसे मैं बना रही हूँ, बोतल में यहाँ वहाँ पूरा 1-1 इंच के दूरी पर छेद कर लिए हैं। मेरे पास ड्रिल मशीन था तो ड्रिल मशीन से ही मैं इसमें छेद करवा ली हूँ। और इसमें देखिए अब इस फॉर्चूला के जितने भी प्लांट कट करके लाई थी मैं, वो सबको मैं लगा दे रही हूँ। इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में लगा रही हूँ ताकि जल्दी से ग्रो करे। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग हेल्प कर रहे हैं, ये लोग को भी ये सब करने में अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी ये लोग को इन्वॉल्व करती रहती हूँ गार्डनिंग में। तो देखिए इस तरीके से लगाने के बाद क्या करना है कि इसमें अब डाल दूंगी मिट्टी। तो गार्डन से जो मिट्टी मैं उठाई थी उसमें कुछ सूखे पत्ते हैं और गार्डन सोयल है, तो इसे इसी को भर दे रही हूँ और कुछ खास चीज़ इसमें मिक्स की नहीं हूँ। बाद में हो सके तो फर्टिलाइजर डाल दूंगी लिक्विड वाला, अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें, कोई भी कंपोस्ट वगैरह इसमें मिक्स नहीं किया हुआ है, केवल मिट्टी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक प्लांट तो रेडी कर ली हूँ, अब मैं दूसरा प्लांट बनाने जा रही हूँ जो कि कैप से बनाने वाली हूँ। जब एक बार लगा दीजिएगा आप ये पोर्चुला प्लांट, तो आपको कई एक ठो इससे प्लांटर तैयार कर सकते हैं। कुछ ही दिन में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, अभी इसका सीजन है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने का। तो ये मतलब 20 या 25 दिन पहले मैं लगाई थी, सारे प्लांटर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक एक मतलब 6-6 इंच से ऊपर का निकल गए हैं। तो सबको कट करके मैं दूसरा प्लांटर देखिए यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ। कहीं भी इसे लगाना बहुत ईजी है, कहीं भी इसको मतलब 2 इंच के टुकड़े उठाइए या 3 इंच के, उसको मिट्टी में डंप कर दीजिए और वो लग जाता है। आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। पहला दिन तो आपको थोड़ा मुरझाया दिखेगा, दूसरा से तीसरा दिन आपको अच्छा दिखने लगेगा। या देखिए दूसरे दिन का रिजल्ट है, अब लग रहा है कि सारे प्लांट में जान आ गए हैं, सभी ऊपर में सबका शाइनिंग देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्लांटर बना सकते हैं एक कचरे में फेंकने वाले डब्बे से भी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए मेरा हैंगिंग गार्डन तैयार है।